गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किन किन लोगों को वजन अपना तेजी से घटाना है तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने 20 दिन में अपना 4 किलो वजन कम किया है। तो है ना पते की बात। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिया है एवोकाडो। एवोकाडो को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है और ये दो भाग में है, जिसको मैं थोड़ा सा ही इसका हाफ पीस यूज कर रही हूँ। और एक प्याज है छोटा सा जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है, और एक छोटा सा लेमन, लेमन जूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा अनारदाना। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ एवोकाडो है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ये हर मार्केट में हर जगह आपको ईजिली मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलता, ये हर जगह पे इजीली मिल जाता है। इसको अच्छे से हम मैश करेंगे कुछ इस तरीके से। मैश होने के बाद में मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये मैं छोटा सा प्याज ले रही हूँ इसलिए मैं पूरा प्याज डाल रही हूँ। तो एक चम्मच प्याज बिल्कुल काफ़ी है। अगर एक जन के लिए आप बना रहे हो तो एक ही सैंडविच बनाना, क्योंकि हम डाइट पे हैं, दो बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो प्याज डाल दिया, और इसमें मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है। सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम, क्योंकि बिना नमक कुछ भी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है ऑब्वियसली। और इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा बनाएंगे, क्योंकि ये चटपटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि एवोकाडो में कोई भी स्वाद नहीं होता है। और इसमें हमने रेड चिली डाल दिया है, रेड चिली मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद तो इसकी इसका जो स्वाद है ना, वाह भाई वाह हो जाएगा। ये डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अनारदाना। अनारदाना हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हम डाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ें हद से ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हम अनारदाना डाल रहे हैं। अनारदाना वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, और ये हमारे खून को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम शुरू करते हैं अपना सैंडविच बनाना। तो मैंने सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड लिया हुआ है स्लाइस, दो स्लाइस, और इसको मैं साइड से कट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ही ब्रेड हम खा रहे हैं, तो इसीलिए मैं नहीं कट करी। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। अब उसके बाद बारी आती है इसको कट करने के लिए। तो मैंने इसके ऊपर और एक ब्रेड का स्लाइस रख दिया है, अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैंने जैसे आपको बताया है, अगर आप इसको अच्छे देखने के लिए अगर आप साइड से कट करना चाहते हैं, साइड से कट करना कर सकते हैं, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। तो मैंने तो नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, और यकीन मानिए ये जितना देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा यम्मी होता है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड बना के रेडी कर लिया है, मेरा सैंडविच रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और टेस्टी है, और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।